शिवपुरी के करैरा में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में वरिष्ठ अधिकारियों भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। महिला आवेदकों ने महिला बाल विकास अधिकारी प्रियंका बुनकर की शिकायत तहसीलदार से की है। महिला आवेदकों का आरोप है कि महिला बाल विकास अधिकारी ने मोटी रकम लेकर अपात्र लोगों का चयन कर दिया और उनका बीपीएल में नाम होने के बाद भी अपात्र बता दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर अपना फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें मुझे बीपीएल कार्ड के नंबर नहीं दिए गए, बल्कि मेरा बीपीएल कार्ड में नाम है और जिसका नाम नहीं है उसका उसके लिए 10 नंबर बीपीएल के दिए गए, जिसके कारण उसकी नियुक्ति कर दी गई है। तहसीलदार सर को वो आवेदन दिया है अभी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किया है कि इसकी मतलब जानकारी जारी रखी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती थी जिसमें बहुत अनियमितताएं बरती गई हैं और सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पूरे आवेदक यहाँ पे खड़े हुए हैं जो मेरे पास में आए हुए, देखो परिवार आईडी है, परिवार में उस जगह का व्यक्ति नहीं है और उसका सिलेक्शन करके सूची में नाम दर्ज कर दिया है। सीधा स्पष्ट होता है कि इस भर्ती में पूरी तरह भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरह लुप्त है। इसमें अगर जांच की जाए तो बड़े से बड़े अधिकारियों का नाम आएगा।